तो YouTube ने फिर से एक टट्टीनुमा वीडियो मेरी फीड में डाल दी। टाइटल था इफ यू लिव इन फ्रीडम थैंक द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ मिस्टर एच डब्ल्यू क्रोकर ब्रिटिश एम्पायर की प्रशंसा करते हुए बोले, British did not try to nation build in the way we think of it now. They were under no illusions about making Arabs or Afghans or Zulus into Englishmen. They were more than content to leave people alone. कोई ना, सच यहाँ सुन लो। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संस्कृत को डेडिकेटेड मॉडर्न प्रोफेसरशिप की गद्दी गर्म करने वाला पहला सो कॉल्ड स्कॉलर था एच एच विल्सन, जिसने वेदों का ट्रांसलेशन किया था। एसेज एंड लेक्चर्स चीफली ऑन द रिलीजन ऑफ हिंदूज में वो कहता है, हिंदुओं की मान्यताओं को क्रिश्चियन सत्य का इथोरियल भाला झूठा साबित कर देता है। 1918 के द इंडियन रिव्यू के अंक के अनुसार ऑक्सफोर्ड में एच एच विल्सन उन स्टूडेंट्स को प्राइज मनी जीतने में हेल्प करता था जो हिंदुओं की मान्यताओं को रिफ्यूट करने में लगे थे, और विल्सन द्वारा सेकी गई बोर्डन प्रोफेसरशिप की गद्दी लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बोर्डन की वसीयत के अनुसार बनाई गई थी। वसीयत का एम था द कन्वर्जेंस ऑफ नेटिव्स ऑफ इंडिया टू द क्रिश्चियन रिलीजन।